गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में आज हम जो अंग्रेज़ों के आगमन के समय स्थिति थी उसमें एक छोटा सा पॉइंट और शेष बचा है सांस्कृतिक दशा का, क्योंकि हम लोगों ने राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा और आर्थिक स्थिति उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक दशा की। तो आप सभी जानते हैं भारत विविधताओं वाला देश रहा है और भारत में अनेक बाह्य आक्रांता आए, बाहरी जातियाँ आईं और फिर उन्होंने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करा। तो हमारा सांस्कृतिक परिदृश्य जो है उसमें भी हमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत में आए तो भारत के हिंदू समाज की जो सांस्कृतिक दशा थी, सांस्कृतिक स्थिति जो थी, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके थे। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ की जो सांस्कृतिक दशा है वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी। कारण दीर्घकाल तक यहाँ विदेशी सत्ता स्थापित रही और इसीलिए जो प्रगतिशील संस्कृतियों से संपर्क रहा करते थे भारत के, वो संपर्क समाप्त हो गए। ज्ञान विज्ञान की प्रगति अवरुद्ध हो गई और भारतीयों के जो नैतिक आचरण था, भारतीयों का नैतिक दृष्टिकोण था, उस पर भी इन परिस्थितियों ने विपरीत प्रभाव डाला। अब किस रूप में, जैसे आप सभी जानते हैं नैतिकता की दृष्टि से भारतीय बड़े श्रेष्ठ थे। भारतीयों में आप बेईमानी, भ्रष्टाचार और व्यभिचार का बोलबाला था। इसी संदर्भ में जो ये भारतीयों के नैतिकता में, उनके चरित्र में जो परिवर्तन आए, उसी संदर्भ में कलकत्ता के एक बिशप हुए, बिशप जो ईसाई धर्म के विद्वान हुआ करते थे, जैसे पादरी हैं ऐसे बिशप, कार्डिनल्स एंड पोप हेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ओके, तो कलकत्ता के एक बिशप थे जो वहाँ चर्च में रहा करते थे, उन्होंने लिखा था कि हिंदू बुद्धिमान, सज्जन और सौम्य हैं, परंतु वे डरपोक हैं। मतलब टोटल जो हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर उन्होंने इस तरह का अपना स्टेटमेंट दिया था। उसने उन दुर्गुणों की ओर, उसने मतलब बिशप ने उन दुर्गुणों की ओर स्पष्ट संकेत किया है जो समाज में व्याप्त अराजकता और अस्त व्यस्तता से, दासता से और धर्म की अनैतिक, भ्रांतिपूर्ण और गलत प्रणालियों से उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भारतीयों का नैतिक चरित्र और सांस्कृतिक जीवन निम्न स्तर का हो गया था। सुरापान और जुआ, इस तरह की जो व्यभिचार हैं उसमें भारतीय लोग लिप्त रहने लगे थे। इवन आप देखिएगा धार्मिक आयोजनों में भी नृत्यांगना आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती थी। तो ये भारतीयों का नैतिक पतन जो है वो दिन पर दिन होता जा रहा था। यूरोपीय और भारतीयों में परस्पर मेल मिलाप नहीं था, क्योंकि यूरोपीय अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज़ों ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया और जब भारत में उन्होंने शासन स्थापित किया तो उन्होंने वो कहा भी करते थे कि ईश्वर ने भारत का साम्राज्य उन्हें सौंपा है क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, उनकी जाति श्रेष्ठ है। तो यूरोपियनों और भारतीयों में परस्पर कोई मेल मिलाप नहीं था। इसी वजह से अंग्रेज़ों की जाति में अहम कूट कूट कर भरा था और वो अपने आप को अन्यों से हमेशा पृथक नीति अपना करके रखते थे, पृथक रखते थे। लेकिन भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों से काफ़ी आकर्षित हो गए। आज भी आप सभी जानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो लोगों को बड़ा आकर्षित कर रही है। हम अपने कॉलेज में भी ये आकर्षण की बातें जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर, वो हमें विभिन्न अवसरों पर जब हमारे कोई फंक्शंस होते हैं तो हम देखते हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम देखें
तो आज भी पाश्चात्यकरण की ओर जो आकर्षण है उसमें काफ़ी वृद्धि होती जा रही है। तो भारतीय उस समय जब अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों से उनका थोड़ा बहुत जो संपर्क हुआ, उनके खान पान, रहन सहन, इन सब सी चीज़ों से वो काफ़ी अधिक भारतीय जो थे वो आकर्षित हुए, प्रभावित हुए। विशेषकर जो भारतीय धन संपन्न थे, मतलब जिनके पास पैसे का अभाव नहीं था, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को उसी तरह से डालने का प्रयास करने लगे। वो इवन आप देखिए कि उन्हीं तरह के बढ़िया बढ़िया बंगले बनाना, रहने के लिए निवास स्थान, उसमें भी परिवर्तन। अंग्रेज लोग जो हैं वो अंग्रेजी समाज में, मतलब पाश्चात्य समाज में यदि हम देखें, जाति प्रथा नहीं है। तो ये जो उच्च वर्ग के लोग थे, धनी संपन्न समण, जहाँ जो पहले इन छूतों को, कह शूद्रों को बड़ा हे दृष्टि से देखा करते थे, उनकी उपेक्षा किया करते थे, अब उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के वो बातें इतनी महत्व नहीं रखती थी और उपेक्षा का भाव बढ़ने लगा था उनके प्रति। जैसे मतलब ऐसे नहीं जैसे अंग्रेजों के, आप देखिएगा, आपको पता हो, आप अंग्रेज जो थे उनके जो बंगले हुआ करते थे, उनके बाहर उनके सफाई कर्मचारियों के लिए अलग आउट हाउस बने होते थे, उनके कपड़े धोने वालों के लिए अलग आउट हाउस बने होते थे, और उनके घर में वो साफ सफाई करते थे, कोई छुआ छूत का वो नहीं था। लेकिन वैसे एक श्रेष्ठता के आधार पर अंग्रेज उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करते थे। गरीबी के आधार पर समझ लीजिए, गोरे काले के आधार पर समझ लीजिए। तो अब भारतीय जो थे, जो संपन्न वर्ग था, वो छुआछूत को महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन वो किसको महत्व दे रहे थे? अमीरी गरीबी के आधार पर, एंड जो रंग भेद की नीति, आप इसको कह सकते हैं, उस बेसिस पर, स्टैंडर्ड के बेस पर वो उपेक्षा का भाव जो था वो उनके प्रति बढ़ता जा रहा था। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं। सपोज मानिए कि एक ब्राह्मण बड़ा अमीर है, समृद्ध है, और उसी के संपर्क में रहने वाला कोई पूर्व में उसके संपर्क में रहने वाला कोई ब्राह्मण गरीब है, तो अब उसको उस तरह अंग्रेजों की तरह आंकेगा कि ये गरीब है, इसके वस्त्र बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, तो इस दृष्टि से वो उससे मुंह मोड़ेगा। इवन घर परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी जो हैं उनके प्रति भी वो उपेक्षा का भाव रखेगा। और ये धनी समृद्ध लोग जो थे, अपने बच्चों को अब भारतीय शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा देने में विश्वास करने लगे, अंग्रेजी स्कूलों में उनको पढ़ाने लगे, ताकि उनकी ये जो पीढ़ी है वो उसी तरह से, उसी तरह के माहौल में पले और बड़े हों। तो इस तरह से ये परिवर्तन जो था अंग्रेजों के संपर्क में आने से, वो भारतीयों में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के विकास की। तो देखो, हमारे मुस्लिम शासन 1206 से लेके 1857 तक का जो समय है वो पूरा मुस्लिम पीरियड है, पहले सल्तनत काल, देन मुगल काल। तो 1206 से हम काउंट करें, 1206 और 1806 हटा देते हैं, तो 1200 से 1800 600 साल ही हो गए, और 57 और 6 63, यानी लगभग 663 साल मुस्लिम सत्ता रही है। और उसमें जो हमारी फिर शिक्षा का स्तर जो था, जो अभी तक हमारे वैदिक संस्कृति के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्थाएं की गई थी, अब उसमें काफ़ी बदलाव आ गया था जब यहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। तो मुगल काल के अंत तक हम देखते हैं कि शिक्षा प्रदान करने की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं मानी जाती थी। इसको आप नोट करिएगा, मुगल सत्ता के अंत तक, मुगल काल के अंत तक शिक्षा प्रदान करने की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, डैश ला के आप करेंगे, मकतब और मदरसा। मकतब जो है वो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती थी, और मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी मकतब जो थे वो प्राइमरी स्टैंडर्ड थे,
और मदरसे जो थे वो हायर एजुकेशन के लिए बने थे। तो मकतब की शिक्षा जब समाप्त हो जाती थी, जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड की एजुकेशन पूरी हो जाती, उसके बाद मदरसों में एडमिशन कराया जाता था। और यदि हम संख्या की दृष्टि से देखें तो मकतब जो थे उनकी अपेक्षा मदरसों की संख्या कम थी, यानी हायर एजुकेशन के लिए मदरसों की संख्या कम थी और मकतब फिर भी संख्या में अधिक थे। मदरसे क्योंकि हायर एजुकेशन का सेंटर थे, इसलिए बड़े बड़े नगरों में बने होते थे और प्राय विदेशी मुसलमान इसमें विद्वान के रूप में नियुक्त किए जाते थे। और ये नियुक्तियां मुग़ल राज्य की ओर से ही की जाती थी, यानी सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी। अब ये जो मदरसों का पाठ्यक्रम है, दो भागों में विभाजित था, धार्मिक और लौकिक। इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी और लौकिक पाठ्यक्रम में अरबी, फारसी, व्याकरण, गणित, साहित्य, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, ज्योतिष, इन सबको लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था। कुछ विद्यालयों में वास्तुकला और शिल्पकला को भी महत्वपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, यानी उनकी भी शिक्षा दी जाती थी। और जो अध्ययन अध्यापन का माध्यम था वो फारसी भाषा थी। आपको याद भी होगा मुगल काल और इनमें फारसी भाषा ही राजकीय भाषा थी, यानी सारा राजकीय काम फारसी भाषा में हुआ करता था। ये बात थी मुस्लिम एजुकेशन की। ना हिंदू एजुकेशन, तो जो हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे उनमें प्रमुख रूप से बनारस, नदिया, तक्षशिला, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एंड अयोध्या, ये हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। अब इसके बाद स्वाभाविक है कि ये जो हिंदू शिक्षा के केंद्र थे इसमें हिंदू धर्म और संस्कृति से संबंधित शिक्षा, थोड़ी धार्मिक, और इसके अलावा वही गणित, ज्योतिष, भूगोल, इतिहास, इन सब को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। जो इस समय जब अंग्रेज भारत में आए, हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था, वो प्रमुख केंद्र था बनारस। याद रखिएगा, हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र व्हेन अंग्रेजों की भारत में जब प्रवेश हुआ अंग्रेजों का, उस समय बनारस हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में बनारस विश्वविद्यालय भी बना, काशी विश्वविद्यालय, आप सभी जानते हैं उच्च शिक्षा के स्तर के ये विश्वविद्यालय बनाए गए थे, जहाँ पर मतलब धर्म के साथ साथ, यानी वेद, पुराण, दर्शन के साथ साथ भूगोल, गणित आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये था हिंदू और मुस्लिम एजुकेशन की जो उस समय फैसिलिटीज़ प्रचलन में थी, एक जो सिस्टम था एजुकेशन का। फिर इसके बाद आप देखिए, कुछ अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने जब वो भारत में रहने लगे तो उन्होंने यहाँ की भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया, यहाँ के संस्कृति को भी उन्होंने से अच्छे समझने का प्रयास किया, धर्म दर्शन आदि पर उन्होंने अध्ययन किया। और उन्हीं में एक हैं फ्रांसिस फ्लेडविन, जो अंग्रेजी और फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। उन्होंने कलकत्ता गजट का संपादन किया था। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे छोटी क्वेश्चन के लिए भी और जीके के क्वेश्चन के लिए भी। कलकत्ता गजट जो भारत से इसका समाचार पत्र निकलता था, इसका संपादन किया था इन्होंने, फ्रांसिस फ्रेडविन। और इनके द्वारा मेडिकल डिक्शनरी का भी प्रकाशन कराया गया था। तारीख़े बंगला का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इस तरह से कई अंग्रेज भी थे जिन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म दर्शन
आदि का बड़ी गहनता से अध्ययन किया, यहाँ की भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया और फिर अपने उस संचित ज्ञान को उन्होंने सबके समक्ष ला करके रखा। आप आगे इसमें पढ़ेंगे भी, बंगाल आंदोलन हुआ था, हेनरी विवियन डेरिजियो जैसे विद्वान, अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने भारतीयों को काफ़ी जागरूक और प्रोत्साहित किया था, तो ये बात की बात है। तो इस तरह से जो सहयोग की भावना है वो कुछ अंग्रेज विद्वानों की तरफ से भी थी, जो हमारी सांस्कृतिक वर्चस्व को, हमारे सांस्कृतिक श्रेष्ठता को उजागर कर रहे थे सबके सामने। अब इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन के बाद कला और वास्तुकला। आप जानते हैं भारत कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभ से ही काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, उसकी जो कला आदि है। आपको याद मैं दिला दूं, आपने बौद्ध स्थापत्य कला पढ़ा है, बौद्ध साहित्य पढ़ा है, जैन साहित्य पढ़ा है, जैन मंदिरों के बारे में पढ़ा है। राजस्थान में भी आपके जो दलवाड़ा है, वहाँ के जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रारंभ से ही कला और साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी ध्यान दिया जाता रहा है। हमारे भारतीय शासकों द्वारा विद्वानों और कलाकारों को बराबर संरक्षण और सम्मान दिया जाता रहा है। और सौभाग्य से जो ये मुस्लिम आक्रांता हमारे आए, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी, कला के प्रति ये भी काफ़ी सजग रहे और इन्होंने भी कला को प्रोत्साहन दिया। भारतीय ये जो वास्तुकला, इसकी इस पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने इतिहास से संबंधित बड़े अच्छे अपने अनुभवों को शेयर किया है, उनकी ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने उनकी एक कोटेशन है यहाँ पर, जो आप लिखें तो बेहतर होगा। उन्होंने लिखा है, औरंगजेब आलमगीर 1699 से 1707 ईस्वी का ये विवरण है कि लंबे और सुखहीन शासन काल में, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक शासन काल रहा था आप जानते ही हैं, शासन काल में कला वास्तुशिल्प सहित में वास्तुशिल्प में तेजी से ह्रास हुआ यानी पतन हुआ। आपको याद है क्यों हुआ? आप देखो, जहांगीर के काल में चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इसके अलावा अकबर ने कला साहित्य सबको महत्वपूर्ण स्थान दिया, प्रोत्साहन दिया और इन मुगल काल के बादशाहों द्वारा साहित्यकारों, कलाकारों, विद्वानों का आदर किया गया और उन्हें अपने दरबार में उन्होंने पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। लेकिन दुर्भाग्य से औरंगजेब क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान था और स्पेशली स्थापत्य कला के क्षेत्र में तो खैर उसके भी उदाहरण मिलते हैं, अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी, आपको याद है सेकेंड ईयर में पढ़ के आ रहे हैं, अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी का मकबरा उसने बनाया हुआ है औरंगाबाद में, जब वो 26 साल दक्षिण में अपने व्यतीत कर रहा था मराठों के विरुद्ध और बहमनी राज्य के विरुद्ध। तो यदि उस को हम देखें, उसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, रबिया उद्दौरानी के मकबरे को, बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये पूरा टाइम जो था स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुगलों द्वारा विशेष रुचि ली गई, लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए औरंगजेब जो था वो प्रयासरत था और ख़ासतौर पर 26 साल उसने दक्षिण में व्यतीत किए थे, तो निश्चित रूप से कला का ह्रास भी हुआ था और चित्रकला को, चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, इसलिए उसने कोई विशेष प्रोत्साहन चित्रकला को नहीं दिया था। तो ये परिवर्तन औरंगजेब के काल से कुछ प्रारंभ हुए थे, जब हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है, हमारा कला और वास्तुकला, उसका ह्रास होने लगा था, पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। जो कला और साहित्य का युग अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के समय में देखने को मिलता है, वही अब पतन की ओर
जा रहा था। स्पेशली चित्रकला का जो समय है वो पूरा पतनोन्मुख हो चुका था चित्रकला की स्थिति। तो इस तरह से स्वाभाविक है कि मुगल काल में किंतु हिंदू कला का भी विकास हुआ था। आपको याद है क्योंकि जो कलाकार थे वो सारे मुस्लिम नहीं थे, हिंदू कलाकार भी थे। और बाबर ने जहाँ हिंदू और मुसलमानों को साथ मिलकर के एक नया उदाहरण प्रस्तुत करा था, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके हिंदू शासकों से और मित्रता स्थापित करके मुगल और हिंदू संस्कृति में एक अच्छा समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। तो जैसे जैसे वो मिला मुगल कला को या मुस्लिम कला को, जैसे जैसे तरक्की मिली, उसको पनपने के अवसर प्राप्त हुए, उसी तरह से हिंदू कला का भी पर्याप्त विकास हुआ था। और कई ऐसे उदाहरण, आप ताजमहल है और अकबर के द्वारा बनाया हुआ जो आपका आगरा फतेहपुर सीकरी आप पूरा देख सकते हैं, तो उसमें भारतीय और मुस्लिम कला के सुंदर उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। आपने राजस्थान की चित्रकला पढ़ा है तो राजस्थान में जो चित्र बनाए गए, जब आप टॉपिक पढ़ा होगा, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, जो राजस्थान की हिस्ट्री है उस राजस्थान की हिस्ट्री में यदि आपको याद होगा कि हमने जो चेंजेस देखे थे इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो उन चेंजेस में हमने कॉज दिया था एंड दैट वाज ड्यू टू मुगल एंड राजपूत रिलेशनशिप, देयर वर सो मैनी चेंजेस इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। लाइक जो हमारा कंसेप्ट हुआ करता था उसमें चेंजेस आए, जो रिलीजियस टॉपिक थे उन रिलीजियस टॉपिक के स्थान पर अब जो हम सामान्य जनजीवन होता है उससे संबंधित चित्र बनाए जाने लगे, शबीहें बनाए जाने लगे, शिकार और दरबार के दृश्य बनाए जाने लगे। तो विषय वस्तु जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी और धार्मिक विषय वस्तु या विषयों के स्थान पर अब इस तरह के वो लिए जाने लगे थे, दृश्यों के चित्र बनाए जाने लगे थे। तो इस तरह से ये जो संपर्क था मुगलों से हर क्षेत्र में, खान पान, रहन सहन, कला, साहित्य, इन सभी में हमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अंग्रेज़ों के आगमन के समय जो कला और हमारा विशेषकर वास्तुकला, चित्रकला, इनका जो क्षेत्र था, जो साहित्य का क्षेत्र था, जो शिक्षा का क्षेत्र था, इन सभी में हमें हिंदू मुस्लिम समन्वय, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय के स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है जब अंग्रेज भारत में आए थे। तो इस तरह से एक अच्छी संस्कृति, समन्वयकारी संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति प्रचलित थी जब अंग्रेज भारत में आए थे। आज ये जो हमारा हेडिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट हो ही गया है। नेक्स्ट उसमें हम एक बार दोबारा से, या तो हम इसमें का ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अदरवाइज हम सेकंड पार्ट में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।